जय श्री कृष्ण आप सभी को। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पर बन रहा है जयंती योग और जाने 6 और 7 सितंबर कब व्रत रखना रहेगा शुभ। तो आज मैं आपको यही जानकारी दूंगी कि 6 सितंबर या 7 सितंबर किस दिन आपको जन्माष्टमी का व्रत रखना है, किस दिन आपने जन्माष्टमी का पर्व मनाना है। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से जन्माष्टमी व्रत की तारीख को लेकर इस बार बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन बन रहा है। दरअसल 6 और 7 कब जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि व्रत किस दिन रखना है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल जन्माष्टमी भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, इसलिए जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का विचार विमर्श किया जाता है। तो इस बार जन्माष्टमी के पर्व की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। 6 और 7 सितंबर इन दो तारीखों में जन्माष्टमी पर्व को लेकर कंफ्यूजन है। तो रोहिणी नक्षत्र, जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब रोहिणी नक्षत्र था। तो कब रखना है जन्माष्टमी का व्रत, मैं समय के साथ आपको बताती हूँ। भाद्रपद अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को शाम में 4:14 तक रहेगी। इसी के साथ रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 6 सितंबर को सुबह 9:20 से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। तो इस तरह से रोहिणी नक्षत्र रहेगा। तो इस बार 6 सितंबर को बहुत ही शुभ जयंती योग भी बन रहा है, इसलिए गृहस्थ लोगों के लिए 6 सितंबर के दिन जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही ज्यादा अधिक शुभ रहेगा। इसके अलावा साधु और ऋषियों के लिए 7 सितंबर के दिन जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर के दिन व्रत रखें और जन्माष्टमी का पर्व मनाएं, इसलिए कि इस दिन जयंती योग भी बन रहा है। तो बहुत ही अच्छा दुर्लभ संयोग है, इसी दिन ही आप व्रत रखें। जन्माष्टमी का पर्व भारत में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए लोग व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में बहुत ही अच्छी साज सजावट की जाती है। भगवान कृष्ण के जन्म के लिए आधी रात में लोग मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। देश के कई हिस्सों में इस दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। बहुत ही दुर्लभ संयोग होते हैं, अगर जयंती योग हो और रोहिणी नक्षत्र इस बार 6 सितंबर रात 12 बजे है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो समय भी वही, घड़ी भी वही, नक्षत्र भी वही। तो आप 6 सितंबर की रात 12 बजे जरूर से जरूर करें ये दो उपाय खास। आपने करना क्या है, दक्षिणावर्ती शंख में दूध और केसर मिलाकर उससे भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का आपने अभिषेक करना है। इस तरह से करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। माखन मिश्री का भोग लगाएं, चाहे सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं या तो खीर का भोग अवश्य लगाएं। साथ में पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और भगवान श्री कृष्ण की आरती जरूर से जरूर करें। इस तरह से करने से आपके जीवन की हर समस्या अवश्य दूर हो जाएंगी। और साथ में एक पान का पत्ता जरूर अर्पण करें और अगले दिन सुबह उसे उठाकर उस पर श्रीम लिखें कुमकुम की सहायता से और इसे अपने पर्स में या तिजोरी में रख दें, धन की सारी कमी दूर हो जाएगी। और जो भी भोग लगाएं भगवान श्री कृष्ण को उसमें तुलसी दल अवश्य डालें और तुलसी की पूजा आराधना करना भी बिल्कुल ना भूलें। तुलसी की माला से एक मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ। इस मंत्र का 11 माला जाप कर लेते हैं तो जीवन की सारी विघ्न बाधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चाहे घर में बैठ के करें, चाहे आप किसी भी कृष्ण मंदिर चले जाएं, मंदिर में बैठ के भी आप ये माला जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, आप नोट कर लीजिए। क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मा ने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदय नमो नमः। मंत्र फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदय नमो नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं 11 माला जाप, तो जीवन की हर समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आज्ञा दीजिए। फिर आऊंगी इसी तरह के अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए।